जय हिंद सर। जोहार नवोदय विद्यालय 2025। बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा। एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों प्लस कमेंट आ चुके हैं इसके ऊपर, भैया एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है, इस चीज को लेकर बताइए। आप अगर कितना भी टॉपर हो, बहुत पढ़ने में तेज हो, 100 में 100 आप सोल्यूशन कर ले रहे हो, मॉडल से पेपर में 100 में 100 बना ले रहे हो, जब आप परीक्षा देने जाओगे तो बिना आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, आप परीक्षा नहीं दे पाओगे नवोदय विद्यालय का। लेकिन कैसे इसको डाउनलोड करना है, कब आ रहा है, समय तक बताने वाला हूँ, कितने बच्चे कितने मिनट में आ रहा है, कितने तारीख को आ रहा है, सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा मेरे भाई, अभी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बना के ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड करो, इस प्रकार से आप जाकर चेक कर लेना। बहुत सारे में क्या कहा जा रहा है कि फेक वेबसाइट बहुत सारे बने हैं, बोल रहा जा रहा है कि भेज जाओ इस वेबसाइट में जाकर अपना रोल नंबर डालो और आपका चेक हो जाएगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा आप मेरा प्लेलिस्ट खोल कर देखता हूँ, सारा वीडियो हमारे नवोदय विद्यालय के ही ऊपर है। क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल पल की जानकारी आप सभी को मैं देते रहता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली 100% रियल इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जानते हो मेरे भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बताया था और बहुत लोगों ने नहीं माना था मेरी बात को, बहुत ज़्यादा पछताए थे, जो बात कहने वाला हूँ। अभी आपका एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे शेयर करते थे, उस चीज़ के लेकर बात करने वाला हूँ। क्या है मामला, कैसे डाउनलोड करना है, क्या है समय इसका, कितने तारीख को आने वाला है, कितने बच्चे कितने मिनट, सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा साथियों, मैं भी लोगों करता हूँ जोहार नवोदय विद्यालय से। जैसे इस बार पिछले साल की बात की 2024 में, इस बार ही आप लोग का जो एग्जाम होगा 2025 में होगा, लेकिन जो बच्चे 2023 में फॉर्म भरे थे, 2024 में इनका एडमिशन हुआ है, पूरे ऑल इंडिया से 650 प्लस बच्चों के हमारे द्वारा सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में। जी हाँ मेरे भाई, पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। खुद अपने नवोदय विद्यालय से 18 बच्चों के हमने सिलेक्शन करा दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने फोटो यहाँ पर देख सकते हो। मेरा नाम ऋषि कुमार है, हम क्लास 6 के विद्यार्थी हैं, मैं गढ़वा जनरी से हूँ। मैं मस्जिद में पीडीएफ से पढ़ा हूँ, उनका पीडीएफ में जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत सारा मेरे जनरी स्टैक के लिए मिला था, और मैं अमरजीत भैया का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने से पहले अमरजीत भैया का वीडियो देखा करता था, उसमें से उनके पीडीएफ के द्वारा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जिनसे हमें बहुत ही हेल्प मिला है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद भेजा। मेरा नाम आयुषी कुमारी, पिता श्री विष्णु प्रजापति, मेरा नवोदय विद्यालय में परीक्षा 2024 में सिलेक्शन हुआ है, और मैं अमरजीत भैया के लिए गए पीडीएफ से पढ़ी थी, जिसमें शिक्षक माता पिता के मार्गदर्शन से सफलता मिली। मेरा नाम सौरभ कुमार है, वर्ग 6 का छात्र हूँ, मैं अमरजीत भैया के पीडीएफ से। मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं 6 का छात्र पढ़ता हूँ, मैं अभी अपने हाउस में हूँ। मैं नवोदय का एग्जाम अमरजीत भैया के पीडीएफ से पढ़ता था पहले, अमरजीत भैया के वीडियो देखकर मैंने नवोदय का एग्जाम दिया, उनके वीडियो से मैंने पढ़ा, अमरजीत भैया के पीडीएफ से नवोदय एग्जाम बहुत मैच हुआ, अमरजीत भैया को धन्यवाद। मैं दिव्यांश यादव, यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है अमरजीत भैया से पीडीएफ लेकर, आप सभी भी उनसे पीडीएफ। जो बच्चे नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनका सपना है, ड्रीम है, उनका पैरेंट का सपना है कि भैया किसी भी हाल में मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे द्वारा सेल किया जा रहा है पीडीएफ, इस पीडीएफ को अभी परचेस कर लीजिएगा। पिछले साल हमने पीडीएफ को सेल किया था, जिसमें से पूरे ऑल इंडिया से 650 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, खुद अपने नवोदय विद्यालय से। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे फोटो मैंने लगा दिया है, और बहुत सारे वीडियो आप देखना चाहोगे तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पर नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अपने नवोदय विद्यालय से 18 प्लस बच्चों का हमने सिलेक्शन कराया था, और आप भी सिलेक्शन ले सकते हो नवोदय विद्यालय में। जो इस पीडीएफ में दिया है, इस पीडीएफ को सोल्यूशन करना, नवोदय में एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस पीडीएफ में मैंने छोड़ा है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं जोहार नवोदय विद्यालय से, तो मेरे को पता होता है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत सारे किताब जो पढ़ते हैं उसमें उस प्रश्न को जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, इस पीडीएफ को बना लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए जो बच्चे 6 के देख रहे होंगे, जिनका एग्जाम 18 जनवरी को है, वो इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, क्लासेस के लिए भी है, क्लास 9 के लिए भी है। जबकि पूरे ऑल इंडिया में बात करूं, पूरे ऑल इंडिया के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ को तैयार किया गया है। इसमें मॉडल सीट पेपर, ओएमआर सीट पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर जितना भी दिया गया है,
सॉल्यूशन कर डालो, ढो डालो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। जैसे मैं पिछले साल भी बताया था, बहुत लोगों ने नहीं माना था, जब एग्जाम खत्म हो गया था, जब रिजल्ट आया था, बहुत लोगों ने पछताया था इस चीज को लेकर। जो परचेस किए थे बहुत लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, आप देख सकते हो फोटो भी हमने लगा चुका है। अब बात आते हैं तो इसको कैसे परचेस करना है इस चीज को लेकर। पीडीएफ को परचेस करने के लिए जो बच्चे कक्षा छठी क्लास के देख रहे होंगे, छठी क्लास के पीडीएफ को परचेस करने के लिए ₹199 मात्र ₹199 हमने रखा है। ₹199 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर देना है। इसी नंबर पर पे करने के बाद फोन पे गूगल पे जो भी होगा स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर आपके पास पूरा पीडीएफ पहुंच जाएगा। जो बच्चे कक्षा 9वीं क्लास के देख रहे होंगे, कक्षा 9वीं क्लास के लिए इसका दाम मात्र ₹299 हमने रखा है, बहुत कम दाम है। जबकि आप मार्केट में देखोगे तो भाई क्या बोलते हैं, पढ़ाई के लिए 5,000-4,000 रुपये कोर्स का दाम लिया जा रहा है, तब भी कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और हमारे पास से इतने बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है क्योंकि आपने 100% इसमें पीडीएफ में मैंने शेयर कर रखा है। जो भी इस पीडीएफ को बना लेगा सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, तो जाइए अभी तैयारी कीजिए। कक्षा 9वीं क्लास के जो बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए बहुत कम हमने दाम रखा है, मात्र ₹299 रखा है। प्रोफेशनली पूरा तैयार किया गया है, नवोदय विद्यालय के बच्चों द्वारा टीचर से मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से पीडीएफ को तैयार किया गया। इस पीडीएफ को बना लेना, सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग दिया गया, एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे, आज ही परचेस कर लो क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा इस चीज को लेकर। मेरे भाई देखो, अभी आप देखोगे यूट्यूब पर खोलकर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बन गए जहां पे बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट पर जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शेयर करो, अपना आधार कार्ड नंबर शेयर करो। आप देखना यूट्यूब पर खोल के बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी है। बहुत सारे बच्चे ने बोला कि एडमिट कार्ड आ गया क्या सर, हमने बोला कि एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। देखो मेरे भाई, जब भी किसी भी वेबसाइट पर अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों का, आपको ना तो आपके किसी को आधार नंबर शेयर करना है, आपका आधार नंबर पूरा पर्सनल डिटेल हो गया आपका, ना ही किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करना है, ना ही डेट ऑफ बर्थ शेयर करना है, इस बात को ध्यान रखना, या फिर मैं ही क्यों ना हो किसी को भी शेयर नहीं करना है। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है, क्योंकि देखो जितना भी अभी वेबसाइट बन रहे हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए वेबसाइट बन रहे हैं, फेक है, फ्रॉड वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जब क्लिक करते हो तो उनको पैसा मिलता है, इसलिए वेबसाइट को बना रहे हैं। कभी भी अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर करने से क्या होता है, जैसे मैंने पिछले साल बताया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरी बात को नहीं सुने थे, बहुत ज़्यादा पछताए थे, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बन जाते, आज के जमाने में जान ही रहे हो कितना स्कैम फ्रॉडगिरी हो रहा है इस सब चीज़ों के मामले में। कभी भी किसी के पास पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आप शेयर करोगे आपका वहाँ से बंद हो जाता है। बहुत सारे चीज़ इंटरनल मामला है, मेरे को भी उतना जानकारी नहीं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पर फेक वेबसाइट है, कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर ना करें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अब बात आते हैं साथियों कि आपका एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है, कितने तारीख को आ रहे हैं। साथियों मैंने बताया था 2 जनवरी को आ रही है, 3 जनवरी को आ रही है, लेकिन नहीं, हमने अपने विद्यालय में बात किया जिसके लेकर पता चला 29 तारीख को, इस महीने 29 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ रही है। 29 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ रही है। एडमिट कार्ड का जो टाइमिंग रखा गया है 6:30 शाम को, 6:30 एक्यूरेट आपका आ जाएगी एडमिट कार्ड। लेकिन एडमिट को डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए आप नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस समय मैं वीडियो ला दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन अभी जो देखना चाहते हो नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट बगल में नजर आ रहा होगा नवोदय.gov.in, यहां पर सबसे फर्स्ट लाइन में आपको देखने को मिल जाएंगे क्लास 6 नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड। समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी किसी के पास पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर मत करना। अभी तक एडमिट कार्ड इसका नहीं जारी हुआ है, बहुत लोग परेशान थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मेहनत पर बरकरार रखिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि कंपटीशन है। बहुत लोगों का सपना टूटते हुए मैंने देखा है, बहुत बच्चों को रोते हुए देखा है, इसलिए हमने ये पीडीएफ को हमने लॉन्च किया है ताकि हर एक बच्चे का सपना पूरा हो सके। तो चाहिए इस पीडीएफ को परचेस कीजिए और पढ़ाई करने में लग जाइए। ऐसा नहीं कि इस पीडीएफ को ले लिया रख दिए हैं काम खत्म, भाई जो भी प्रश्न दिया है पीडीएफ को बना लो ना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, इसे गारंटी ले रहा हूं, तो फिर आप किस बात को चिंता कर रहे हो। तो इतना मैं आप सभी से कॉन्फिडेंस साथ बता रहा हूं, बहुत सारे हजारों प्लस बच्चों ने अभी इस बार ले चुके हैं, तो जाइए अभी पीडीएफ को परचेस कीजिए और बहुत अच्छा रिव्यू देखने को मिला इस पीडीएफ में। पिछले साल हमने जो दिया था ना, अपने जिला की बात कर रहा हूं, अपने जिला में 80 सीट था जहां पे 18 बच्चों का सिलेक्शन हमारे द्वारा हुआ था नवोदय विद्यालय में, जबकि पूरे ऑल इंडिया में 650+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। तो जरूर खास बात है इस पीडीएफ में, जाइए परचेस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम, इस गोल्डन टाइम को खाली मत छोड़िए। आपको पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, 2-3 महीने बाद आपका सब कुछ जो भी आपको करना होगा वो कीजिएगा, मौज मस्ती करना होगा मौज मस्ती कीजिएगा, जब तक एग्जाम है एग्जाम में पूरा फोकस करिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।